प्रातः क्लास चल रहा था, तेरह पांच 1964 बुधवार, छठे पेज के आदि में बात चल रही थी देवताएं वाम मार्ग में गए हैं, तो उनके गंदे चित्र दिखाए हैं जगन्नाथ में, तो बस उन चित्रों को कर दिया कि देखो देवताएं भी तो विकार में जाते हैं ना, देवताएं भी तो विकार में गए। अरे देवताएं जब विकार में जाते हैं तो देवता थोड़े ही कहलाते हैं। बाबा ने बताया हिंदू महासभा का सावरकर आया था, उससे सिर्फ पूछा कि आपका धर्म क्या है। धर्म का नाम लिखवाते तो है ना, तो बोला हिंदू धर्म है। तो पूछा गया क्रिश्चियंस का धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, बुद्ध का बौद्ध धर्म बुद्ध ने स्थापन किया, मुस्लिम धर्म मोहम्मद ने स्थापन किया, तो भला हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। क्या आदि सनातन हिंदू धर्म था या देवता धर्म था। क्या तुम देवी देवताओं को हिंदू कहेंगे या देवता कहेंगे। बोला हाँ दादा हम हिंदू तो नहीं कहेंगे देवता कहेंगे। तो उनसे कहा कि फिर तुम देवताई कुल के हो ना, देवताई नस्ल के हो ना, देवी देवता धर्म के हो। बोला अभी कहाँ, अभी हम थोड़े ही देवी देवता धर्म के हैं, अभी तो हम असुर हैं, क्योंकि हम कोई पवित्र थोड़े ही रहते हैं, तो हम तो असुर हैं। तो उनको बोला अच्छा चलो अब आओ, तुमको असुर से फिर देवता बनावे। तो बोला हमको फुर्सत कहाँ है, बस देखो बात ही बातें करते रहते हैं ये भी बड़े बड़े आदमी, महासभा का प्रेसिडेंट, अब वो अभी तक जीता है या मर गया पता नहीं क्या हुआ। तो देखो कोई मनुष्य को कुछ पता ही नहीं है, बाप बैठ करके समझाते हैं, देखो माया तुमको कितना मूर्ख बनाती है। कोई दुनिया में एक भी विद्वान आचार्य जिसको बाप रचयिता और रचना का पता हो, मनुष्य रचयिता और रचना को जाने,
कोई जानवर थोड़े ही जानेंगे। तो देखो, बाप बैठ करके बच्चों को इतना सिखलाते हैं, कितना समझाते हैं, बच्चों को भी समझाते रहते हैं, कन्याओं को भी, कि देखो बच्चियों, खबरदार रहना, ये माया बड़ी कड़ी है। इस समय में माया बहुत तमोप्रधान है, पछाड़ने में बिल्कुल ही देरी नहीं करती है। दिखलाते हैं, अरे हमारा 10-12-15 वर्ष का बच्चा इतना वर्ष हुआ ज्ञान लेते लेते, अरे वो मर गया, माया ने थप्पड़ लगाई, अभी इतना हो गया जो करके शादी की और सो भी ऐसी गंदी बन गई जो बात मत पूछो। बस एकदम नाक से पकड़ करके गटर में डाल देती है, इतनी कड़ी है माया। क्योंकि तमो प्रधान अर्थात रुस्तम बनी हुई है, एकदम सामना करती है। तो ये लड़ाई है ना, युधिष्ठिर के लिए युद्धस्थल है, ये युद्ध का है मैदान है। अभी वो युद्ध तो नहीं है, यहाँ तो ये गुप्त माया का युद्ध है। तुम बच्चे देखो कैसे शान से बैठे हो, यहाँ कोई है हथियारों वगैरह की बात? गीता में, भागवत में, महाभारत में देखो क्या दिखलाया है। तो बाप कहते हैं बच्चे, अभी बार बार बाप समझाते हैं, अपना पूरा कल्याण चाहो तो अपन को देही अभिमानी आत्मा समझो, देह होते हुए भी अपन को आत्मा समझो। इसको ही कहा जाता है देही अभिमानी, क्योंकि तुम आधा कल्प से देह अभिमानी बने हुए हो। तो देह होते भी अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करने की निरंतर कोशिश करो। तो गाया जाता है अंतमते सुगते, देखो अंतमते में संस्कार ले जाते हैं ना, तो वो सभी संस्कार जीवन के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। पाप आत्मा है तो पाप आत्मा के संस्कार सामने खड़े हो जाएंगे, फिर पाप आत्मा के घर जन्म मिलता है। पुण्य आत्मा है तो पुण्य आत्माओं के घर में जन्म मिलता है। इसलिए अंतमते के लिए पाप विनाश हो उसके लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए निरंतर जितना हो सके जहां तक हो अंत तक तुम्हारा पुरुषार्थ चलेगा। इस बात का है, किस बात का पुरुषार्थ चलेगा है? आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ चलेगा। इसलिए अपन को पहली पहली बात है कि देही अभिमानी भव,
अपन को आत्मा निश्चय करो, पक्का करो कि परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाई रहे हैं। परमात्मा जो है जैसा है हमको आप समान बनाए रहे हैं। क्या कहा है, कौन बनाए रहे हैं है? परमात्मा जो है जैसा है हमको आप समान बनाए रहे हैं। आप समान बनाना होता है ना, 13.564 की वाणी का सातवां पी। बैरिस्टर है तो आप समान बैरिस्टर बनाएगा, सर्जन है तो आप समान सर्जन बनाएगा। पीछे बात आती है पुरुषार्थ अनुसार, वो ही सर्जन मास में लाख रुपया कमाते हैं, तो ये बात याद रख लेना। बाबा ने ऐसे देखे हुए हैं, अरे लाख तो क्या, बहुत कमाते हैं। एक एक केस का एक ही दिन में लाख रुपया कमाई लेते हैं। तो पदमपति साहूकार उनके पास जाएंगे तो उनको कुछ कम थोड़े ही मिलता है। बैरिस्टर है, एक एक केस के ऊपर लाख रुपया कमा लेते हैं। ये बच्चे अगर कुछ पढ़ें तो जानते होंगे, कलकत्ते में एक सिन्हा था जो जाकर के प्रीवी काउंसिल में मेंबर बना। पढ़े हुए हो किसी कलकत्ते ने बुजुर्ग ने ये बात सुनी है? किसी ने कहा हाँ सुना है? तो देखो उसकी बहुत बड़ी चार्ट लगती थी, वो बहुत पैसे वाला था। अभी बच्चों को बाप क्या बनाते हैं, बोलते हैं ये जो भी पदमपति हैं ये सब एकदम खाक में मिल जाएंगे। क्योंकि मैं तो गरीब निवाज हूँ, अहिल्याएं कुबजाएं पापात्माएं अजामिल, ये सब गरीब है ना। तो बाबा ने समझाया कि अजामिल किसको कहते हैं, बताऊं है किसको कहते हैं? जो बाबा के बन करके बाबा की सर्विस करते करते फिर बाबा को ही फारकती दे देते हैं और भेड़ बकरियों से जाकर मिल जाते हैं। बकरी क्या करती है, क्या बोलती है? मैं स्वर्ग स्थापन करूंगा। ब्रह्मा बाबा तो मर गया, मम्मा तो खलास हो गई, अब स्वर्ग कौन स्थापन करेगा? मैं स्थापन करूंगी। देखो त्रिमूर्ति में मेरा फोटो छपा हुआ है, तो देखो ऐसे ऐसे भी यहाँ हैं जो बाबा के बनते हैं फिर फारकती दे देते हैं।
तो समझते हैं ये शायद जन्म जन्मांतर का कोई बहुत अजामिल होगा। क्या एक जन्म का नहीं, कई जन्मों में इस आजा माने बकरी से मिलकर के रहा होगा और बाबा को शिव बाबा को छोड़ दिया होगा। अब बताओ जन्म जन्मांतर का जामिल कौन होते हैं जास्ती से जास्ती है? जन्म जन्मांतर का अजामिल जास्ती से जास्ती कौन बनते हैं है? बताओ है? ना वो तो ढेर सारे हो गए लेकिन जास्ती से जास्ती जो सबसे जास्ती अजामिल बनता हो वो कौन बनता है? 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 अरे किसी ने धीरे से बोला है? ओ माता बोल रही ब्रह्मा बाबा सबसे जास्ती अजा वो क्या करती है? अजा माने बकरी मैं स्वर्ग स्थापन करूंगी। तो ब्रह्मा बाबा किससे मिल गए हैं? अरे मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल गए। तो देखो ये बाबा ने समझाया, आज उन बच्चों को जाना है थोड़ा ऐसे कर देते हैं। बाबा ने समझाया देखो ये लड़ाई वाले लोग होते हैं ना, जानते हो कि उनका तो है ही मरने मारने का संस्कार। फिर लड़ाई वालों के क्या संस्कार होते हैं युद्ध करने वालों के? मिलिट्री में जो योद्धा होते हैं सिपाही होते हैं उनके क्या संस्कार होते हैं? या तो मरेंगे या मार देंगे। लड़ाई के मैदान के यही संस्कार होते हैं। संस्कार आत्मा का ही है। फिर जब वो जन्म लेते हैं, भले कोई भी गृहस्थी के घर में जन्म लेते होंगे फिर भी अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार कहां चले जावेंगे है? कहां जाके भर्ती होंगे है? अरे मिलिट्री में जाके भर्ती होंगे, लड़ाई के मैदान में चले जाएंगे। वो संस्कार ले आए हुए हैं कौन है? बाबा का ध्यान किधर जा रहा है? हैं? वो संस्कार लेकर यहां आए हुए काय के संस्कार? लड़ाई के संस्कार। यहाँ कौन सी लड़ाई है? हिंसा का लड़ाई है या काम करो दो लोभ मोह अहंकार माया की लड़ाई है? तो पिछले जन्म में भी लड़ाई लड़के आए थे और अभी भी लड़ाई लड़ रहे। अनुभव होता है या तो मरेंगे या मार देंगे। तो वो संस्कार ले आए हुए हैं कहां कहां ले आए हुए हैं है? अरे यहां की बात बताई, वैसे ही जैसे इनकी बात बताई वैसे ही बहुत समय से वैश्यालयों में जो वैश्याएं रहती हैं ना
क्या वैश्यालय में वैश्याएं होती है ना, वो कोई भी घर में अच्छा ही जन्म लेंगी। कोई वैश्या मान लो कोई घर में जाकर के अच्छा जन्म ले, या बड़े घर में भी जाके जन्म लेंगी, तो वो उनके पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार वहां से निकलेंगी, क्या जन्म लेंगी, बच्ची होंगी, फिर बड़ी होगी, बच्ची नौजवान होगी तो कहां चली जाएगी, हैं? वहां से निकलेंगी और वैश्यालय में ही चली जाएगी। पीछे वैश्यालय तो तुम समझते ही हो, हैं? कि नहीं समझते हो? एक फर्स्ट क्लास, एक सेकंड क्लास, एक थर्ड क्लास वैश्यालय। क्या वैश्यालय में भी ग्रेड्स होते हैं? फर्स्ट क्लास वैश्यालय का तुम बच्चों को मालूम नहीं है, है? मालूम है किसी को? तुम बच्चों को मालूम नहीं। अच्छा, माने तुम बच्चों को क्या मालूम है, है? फर्स्ट क्लास का तुम बच्चों को मालूम नहीं है, फिर सेकंड थर्ड क्लास का मालूम है? फर्स्ट क्लास का मालूम नहीं है, वो बड़े बड़े आदमियों के लिए फर्स्ट क्लास जो वैश्या होती है वो बड़े बड़े आदमियों के लिए गुप्त रहती है। क्या बड़े बड़े आदमी जानेंगे? वो जानते हैं कि हमारे पास आती है, गुप्त रहती है, दुनिया को पता नहीं होता। तो देखो ये खराब संस्कार जो फिर ऐसे जो होते हैं, कुछ समय से वो यहां आकर के जब ज्ञान लेते हैं तो उनका वो संस्कार यहां ज्ञान में आने से निकल पड़ता है। क्या बाबा की बनती है, फिर बाबा की बनने के बाद कुछ समय के बाद उनके वो वैश्यावृत्ति के संस्कार बाहर आ जाते हैं। शायद समझते हैं, शायद हम समझते हैं कि ये कोई पूर्व जन्म में वैश्या थी जो यहां बाबा के ज्ञान में आकर के बाबा की बन करके भी और दूसरों के आगोश में आ गई। बाप का वर्षा लेते लेते एकदम जाके गिर पड़ी। तो देखो ये सब बाप बैठ करके अच्छी तरह से समझाते हैं। समझ में आ गया? अरे अच्छी तरह से समझ में आ गया, ये दुनिया में जो वैश्यालय चले हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उनकी शूटिंग कहाँ होती है, हैं? यहाँ होती है। तो बाप अच्छी तरह से समझाते हैं कि जन्म जन्म के जो संस्कार हैं वो साथ में यहाँ आते हैं, तो जन्म जन्म के पाप भी तो इकट्ठे होते रहते हैं ना, इसलिए बच्चों को बहुत योग चाहिए। तो जन्म जन्मांतर के विकार विनाश हो जाए, अंत तक विनाश होते रहे। बाबा अपना भी बतलाते हैं, क्या
यही नहीं दूसरों को बतलाते हैं। कौन बाबा है? कौन बाबा? अरे उस समय कौन बाबा था? हाँ, बाबा अपना भी बतलाते हैं, मम्मा का भी बताया। देखो कितना योग में रहते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनों को आप समान बनाते, तो भी अभी तक भी कर्मातीत अवस्था नहीं होती है, है? कुछ न कुछ खांसी, ऑपरेशन, फलाना फलाना, ऐसे नहीं है कि सबका ऐसे होता होगा, नहीं। कोई का क्या संस्कार, कोई का क्या संस्कार पुरुषार्थ में अटक डालता है। सबका अपना अपना संस्कार है। तो जन्म जन्मांतर का बहुत बोझ है। अब वो बोझ कैसे उतरे? तो जितना हो सके बाप को याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो। क्या कितने मीठे हो, जन्म जन्मांतर की गुप्त बातें सारी खोल के रख देते हो, है? बाबा आप कितने मीठे हो, न मन न चित्त। क्या हमारे मन में तो ये बात मन में भी न थी, चित्त भी नहीं था। अभी आप फिर से आ गए हो। ये बात कोई दुनिया थोड़े ही जानती है। क्या बात कि आप फिर से आ गए हो। किसी शास्त्र में लिखा हुआ है बाबा आते हैं तो क्या करते हैं? 13.564 की वाणी का 8वां पेज, वंडरफुल बात लिखी हुई है गीता में, भागवत में और पुराणों में। वहां रामायण की कथा, फलाने की कथा है, कुछ नहीं। कोई रामायण की ऐसी कथा हुई ही नहीं है त्रेता में, बिल्कुल नहीं हुई। न कौरव पांडवों की कोई हिंसा की बात है। अब देखो बात कैसी है। अभी तुम तो जग गए हो ना। इस समय यादव कौरव पांडव क्या करत भाई? तो तुम समझते हो मनुष्य तो ढेंडरों के माफिक है। गॉडली गीताएं पढ़ते आए, सुनते आए, हुआ तो कुछ भी नहीं और ही दुर्गति को पाते गए। तो बाप कहते मेरे लाडले बच्चों अभी गफलत नहीं करना। माया तुम्हारे ऊपर एकदम पूरा पहरा दे रही है। क्या क्या माया? हम जो कुछ भी करते हैं माया मौका देखती है कि कब इनके ऊपर हमला करूं। पूरा पहरा दे रही है। इसलिए देही अभिमानी भव, और बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा अंत मते सुगते हो जाएगा। अब ये है शिव बाबा के गले का हार बनने की बुद्धियों की रेस। बस इसमें ही समझो सब कुछ है। भारत का प्राचीन राजयोग कहते हैं ना, परंतु प्राचीन योग को कोई समझते थोड़े ही है।
वो तो हठ योग प्राणायाम करके चले जाते हैं और समझते हैं बस हमने पा लिया, हम चले गए, हम ब्रह्मलीन हो गए, हम ब्रह्म हो गए, अहम ब्रह्मास्मि, शरीर का भान छोड़ दिया, बाकी ब्रह्म बन गया। परंतु ये सब बातें कही जाती हैं गपोड़े, ये ड्रामा में गपोड़े मारने की नूंद है। क्या कि फलाना पार निर्वाण गया, ब्रह्मलीन हो गया। इसलिए बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, अपना कल्याण करना चाहो तो कहो। जैसे कहा जाता है भाई राजयोग है, हम राजा ही लेंगे, तो योग चाहिए ना, योग से तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। और उसकी निशानी क्या होगी है? है? जब योग से तुम्हारा विकर्म विनाश होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? हर्षित हो जाएंगे। क्या बोझा किसी के ऊपर हो और बोझा उतर जाए, ढेर सारा बोझा सर के ऊपर से उतर जाए तो हल्कापन महसूस होगा कि नहीं? तो हर्षित महसूस करेंगे, हम ईश्वर की संतान और हम ईश्वर से अपना भविष्य बनाए रहे। परंतु इसे कलयुग में तो राजी नहीं कर सकेंगे। इसे कलयुग में क्या रखा हुआ है, है? इसे कलयुग में जो राजाएं बैठे हैं, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, बड़े बड़े मिनिस्टर, उनको क्या मिला हुआ है, है? राजाई मिली हुई है कि गदाई मिली हुई है, कांटों का ताज है या रत्नों का ताज मिला है? कांटों का ताज मिला हुआ है। सत्युग में तुम्हें राजी करना है, वहां तो एवरीथिंग न्यू, तो न्यू और गोल्ड, अरे ये तो कोई भी समझ सकता है। जो नई चीज होती है वो सतो प्रधान होती है और जो पुराना हो जाता है वो तमो प्रधान होता है। अभी किसको कहो भाई सतयुग में स्वर्ग है, सतयुग गोल्डन एज है, स्वर्ग का नाम लिया तो बोलेंगे हम सुखी हैं स्वर्ग में, जो दुखी हुआ वो नरक में है। कहते हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं तो हमको सुख मिल रहा है, और उन्होंने खराब कर्म किए हैं तो उनको दुख मिल रहा है, ऐसे कह देंगे। कहते हैं कि इसी दुनिया में यहां ही स्वर्ग है और यहां ही नरक। तो बाप ने समझाया, मैं तो आया हूं बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। अभी ऐसा कोई साहूकार है बड़े से बड़ा जो सदा सुखी रहता हो? कोई नहीं। ऐसा सदा सुखी बनाने के लिए मुझे आना पड़ता है, सदा शांत बनाने अथवा मुक्ति, जीवन मुक्ति का पद देने। और ये मुक्ति, जीवन मुक्ति का पद सबको देना है। क्या रावण राज्य में सुख भी होता है दुख भी होता है,
क्या सब सुखी होते हैं? हैं? अच्छा, सुखियों की संख्या ज्यादा होती है या कम होती है? सुखी लोग कम होते हैं और दुखी ज्यादा होते हैं। यहां तो बाप कहते हैं कि सबका सदगति दाता गति दाता, सबका मुक्ति दाता जीवन मुक्ति दाता एक ही है। तो देखो रात दिन का फर्क हो गया। वो लोग कहते हैं सभी परमात्मा का रूप है, सभी फादर्स ही फादर्स हैं। फिर फादर्स को वर्षा कहां से मिले? ला है ब्रदर्स को एक फादर से वर्षा मिलता है, तो हम सब ब्रदर्स हैं आपस में, ऐसे कहना चाहिए। और है भी ब्रदरहुड तो जरूर फादर चाहिए जिससे हमको इनहेरिटेंस मिले। सभी बच्चे इनहेरिटेंस ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? हैं? कैसे? सुख और शांति का उत्तराधिकार बाप से ले रहे हैं। अरे देही अभिमानी बनने से, आत्माभिमानी बनने से सुख और शांति का वर्षा बाप से ले रहे हैं। अगर देही अभिमानी पना नहीं सीखेंगे तो फिर क्या होगा? सुख और शांति का जन्म जन्मांतर का वर्षा भी नहीं मिलेगा। तो यही तुम्हारी मंजिल है और ये बहुत बड़ी मंजिल है। ऐसे थोड़े ही है कि बिगड़ कुछ मेहनत किए विश्व का मालिक बन जाएंगे? बन जाएंगे हैं? अरे विश्व का सुधारने वाला बाप मिल गया, हमको क्या चिंता? बाप मिला है तो विश्व की बादशाही हमारी। मेहनत तो कुछ नहीं करेंगे तो मिल जाएगी। जैसे कहते ना, बिन कमाई नान का मुझे, ये बहुत बड़ी कमाई है। ये सब जो भी तुम देखते हो, पद्मपति करोड़पति फलाना फलाना, ये जैसे कि आजकल जाकर के बिजली में जलाते हैं ना, भट्टी में डाला और काठी इकट्ठी करो, तेल लगाओ फलाना करो, और यहां देखो क्या निकली है। बस अंदर एयरफोर्स लगाया, क्या हवाई जहाज जोड़ा, उसमें बॉम्ब रखा, बॉम्ब फटा और तकलीफ की कोई बात ही नहीं। क्या मिसाल दिया है? जैसे बिजली की भट्टी में किसी को डाला जाता है तो एक सेकंड में खलास, तो ऐसे ही अंत में होगा। 13564 की वाणी का 9वां पेज, वहां कितनी तकलीफ करनी पड़ती है। तो बाप बैठ करके फिर भी बच्चों को कहते हैं सितम तो खाने पड़ेंगे, तकलीफें सहन करनी पड़ेंगी, रड़ियां मारनी पड़ेंगी, बांधेलियों की चिट्ठियां अभी भी बहुत आती हैं, बेचारी त्राही त्राही करती हैं,
बड़ी मार खाती है। कोई को भी मार मिले या कुछ भी निशान हो, तुम लोग गवर्नमेंट को जाओ, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के पास जाओ, झट उनसे छुटकारा मिल जाएगा। और तुमको खर्चे के लिए पैसा भी मिलेगा। क्या वो मारपीट करने वाले तुमको पगार भी महीने महीने भर के देंगे, परंतु ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए। क्या मेरा पति मेरा लल्ले, मेरे लल्ले कहाँ जाएंगे? समझो, मार खाएंगी, मार खाती है ना, घर छोड़ दिया कि अच्छा चलो भाई छोड़ देते हैं, अभी हमको बाबा की सेवा ही करनी है, चलो छोड़ो बाबा की सेवा करते हैं। परंतु नहीं, फिर कोई न कोई बीमारी उछल पड़ती है, बीमारी उछल पड़ेगी तो कौन याद आएगा? है पति याद आएगा, पिता याद आएगा। कभी भी कोई मनुष्य सन्यासियों से नहीं पूछेगा कि आपने घर बार क्यों छोड़ा, आपके बाप का नाम क्या है, बच्चे का क्या नाम है। कभी भी कोई सन्यासी आता था तो बाबा बोलते थे, पहले मुझे ये बात बताओ कि तुमने घर बार कैसे छोड़ा, तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है, तुम किस घर के हो। हम भी कैसे सीखेंगे? वो बोलेंगे ये बातें हमसे मत पूछो। बाबा बोले अगर हम नहीं पूछेंगे, हम आपसे नहीं पूछेंगे तो हम सन्यास करना कैसे सीखेंगे? क्या हम कैसे सीखेंगे? यहां भी शुरुआत में जब ज्ञान की थोड़ी चटक लगती रही तब ये साफ पूछते थे, कभी नहीं बताते थे। अच्छा, अभी टाइम होता है, बच्चों को जाना है, गीत तो बच्चों ने सुना, सितम सहन करना पड़ेगा। आखिरी में तुम बच्चों की विजय तो होती ही है। क्या कहा है? विजय होगी, लेकिन कब होगी? आखिरी विजय तुम्हारी होगी। ये तो जानते हो कि जब पिछाड़ी होता है तब ये सभी गाया जाता है। कश्मीर में जाओ, वहां राख के ढेर बने हुए हैं, कब्रें बनी हुई हैं। उनसे पूछा, अरे भाई यहां इन कब्रों की कथा क्या है? एक महात्मा भगवान अवतार आया था तो सामने से कोई ने निरादर किया तो ऐसे आंख से देखा और वो सांप जल पड़े, जल गए।
क्या कहां की बात बताई है? कश्मीर की बात बताई, जहां ढेर के ढेर राख के ढेर बने हुए थे, कब्रें बनी हुई थी। ऐसी कुछ कहानी है, अभी तुम मालिक बने हो। बाबा की याद में रहते जानते हो ये दुनिया सारी क्या हो जाएगी? भस्म हो जाएगी, राख की ढेर हो जाएगी, खलास हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली खलास होना ही है। है? मिसाल किसका दिया है? अरे कश्मीर का मिसाल दिया। कश्मीर को हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले क्या समझते हैं? है? क्या समझते हैं? अरे कश्मीर की धरणी को हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान वाले भी कश्मीर के लिए जो लड़ाई लड़ते रहते हैं, किस लिए लड़ते रहते हैं? समझते हैं कश्मीर स्वर्ग है, स्वर्ग समान है, लेकिन वहां राख की ढेरियां भी है। उन ढेरियों के बारे में कथा क्या बताई? क्या कथा बताई? एक महात्मा भगवान अवतार आया हुआ था, है? उस भगवान अवतार का सामने वालों ने निरादर कर दिया, उसका असम्मान कर दिया, तो क्या हुआ? है? उसने भूटान देश है ना एक तरफ, ऐसे करके देखा और सब जल मरे। है कहां की बात? असली बात कहां की है? यहां की बात है। अभी तुम तो मालिक बनने वाले हो, कहे के स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो। क्यों? तुम क्यों मालिक बनने वाले हो? वो क्यों राख के ढेर बन गए? है? हाँ, उन्होंने जो राख के ढेर बन गए, कब्र दाखिल हो गए, उन्होंने भगवान को मान्यता नहीं दी, अपमान किया, निरादर किया, असम्मान कर दिया। और तुम है? तुम सम्मान करते हो, इसलिए तुम क्या बनते हो? तुम स्वर्ग के कश्मीर के मालिक बनते हो, जहां ढेर के ढेर फूल ही फूल होंगे, कांटों का दुखदाई कांटों का नाम निशान भी नहीं। अभी तुम बाबा की याद में रहते हैं, जानते हो ना ये सब भस्म हो जाएंगे, खलास हो जाएंगे। तो देखो ये तुम्हारा योग बल है, क्या है कि सब भस्म हो जाएंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने समझाया है और बाबा पूरे कल्प में 84 जन्मों में सिर्फ एक ही बार समझाते हैं, है? एक ही बार सिखलाते हैं कि योग बल से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। समझा ना? इनके पास बाहुबल देखो कितना है, है? है? इनके किसको कहा?
इनके पास बाहुबल देखो कितना है, किनके पास है, ब्रह्मा के पास बाहुबल था है? सारी संस्था बाबा की वर्ल्ड रूरल ट्रस्ट बना करके अपने नाम लिखवा ली, तो बाबा ने कोई बाहुबल चलाया क्या? तो था उनके पास बाहुबल है, तो किसके लिए बोला? इनके पास बाहुबल देखो कितना है, है किसके पास है? क्रिश्चियंस के पास। और क्रिश्चियंस की और कृष्ण की राशि मिलाते हैं। क्यों राशि मिलाते हैं? जरूर कोई बहुत बातों में समानता है, जैसे क्रिश्चियंस के पास बाहुबल बहुत है, ऐसे ही जब कृष्ण की आत्मा तमो प्रधान बनती है तो उसके पास भी, ये तो 64 की बात है, है 64 में ब्राह्मणों की दुनिया का मध्यकाल था या अंतकाल था, है मध्यकाल कहेंगे, तो इनके पास बाहुबल बहुत है, क्योंकि क्रिश्चियंस से इनकी भी राशि मिलाई जाती है, किनकी? कृष्ण अर्थात ब्रह्मा बाबा की। तो जब ये शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे तो ये हनुमान बनेंगे या नहीं बनेंगे, हैं? और हनुमान के पास बाहुबल बहुत होता है या नहीं होता है? बहुत बाहुबल। देखो अभी क्रिश्चियन धर्म में इतना बल है, अगर ये दो भाई आपस में न लड़े और मिल जावे तो ये विश्व का मालिक बन सकते हैं, परंतु ये ला नहीं है, जो बाहुबल वाले आपस में मिलकर के एक हो जाए। विश्व का मालिक तो हमारा लाडला कृष्ण था। किसने बोला है? बोलो, विश्व का मालिक कौन था? है हमारा लाडला कृष्ण था, ये किसने बोला? हमारा क्यों बोला, मेरा क्यों नहीं बोला? है अरे अरे किसने बोला? ये मुरली कोई बोल रहा है ना, कौन आत्मा बोलती है? शिव बाबा ने बोली, शिव बाप ने बोली, शिव बाप ने बोला कि हमारा बच्चा जो है लाडला कृष्ण। लाडला कृष्ण कैसे? विश्व का मालिक था। अरे विश्व का मालिक सतयुग में होता है या संगम में होता है? विश्व धर्म की आत्माएं 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का मालिक सतयुग में होगा या संगम में होगा? संगम की बात है। राधे कृष्ण थे ना, जिनका शास्त्रों में गायन है, जिन राधे कृष्ण का गायन है वो संगम युग के हैं या सतयुग के हैं? संगम के हैं। वो शाहजादी, वो शाहजादा, जो फिर विश्व का महाराजा महारानी बनते हैं। कौन शाहजादी है? अरे राधे शाहजादी, किसकी शाहजादी? अरे चंद्रवंशियों की शाहजादी। और वो शाहजादा किसका शाहजादा? सूर्यवंशियों का शाहजादा।
जो विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनते हैं, ड्रामा में है ही उनका, तो फिर बोलो कैसे बन सके। छोटेपन में बच्चे आखानी पड़ते हैं, बरोबार दो बंदर बिल्ले लड़े और मक्खन बिल्ला खा गया। ये कृष्ण का मक्खन है ना, विश्व की बात चाहिए। ये जो माताएं देखती है बहुत करके कि कृष्ण मुख खोलते हैं तो उनके मुख में मक्खन का चाणा डालती है। माताएं क्या करती हैं? माताएं कृष्ण के मुख में मक्खन का गोला डाल देती है। तो अब मक्खन नहीं पड़ा हुआ है, वो बच्चों की सारी सृष्टि दिखलाते हैं। क्या कृष्ण के मुख में क्या दिखाया, क्या साक्षात्कार कराया माताओं को, माता को है? सारा विश्व स्वर्ग दिखाते हैं। यहाँ कोई मक्खन की बात नहीं है। शास्त्रों में तो क्या क्या बकवाद लिख दी है। बाप बैठ करके समझाते हैं, कृष्ण के मुख में सारी सृष्टि का मक्खन आ जाता है। क्या कृष्ण के मुख में सारी सृष्टि का मक्खन आ जाता है ना? मक्खन की लड़ाई, क्या महाभारत में काय की लड़ाई है? अरे अरे कोई बात की लड़ाई है या नहीं? अच्छा रामायण में काय की लड़ाई है? अरे देवासुर संग्राम में किसकी लड़ाई है, किस बात की लड़ाई? अरे चाहे देवासुर संग्राम हो, चाहे महाभारत लड़ाई हो, चाहे रामायण की लड़ाई हो, ये पवित्रता की लड़ाई है ना। सीता कहो, द्रौपदी कहो, लक्ष्मी कहो, इनके ऊपर लड़ाई हुई ना। तो ये जो देवियां हुई हैं, जिनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां दिखाई हैं, ये पवित्र थी या अपवित्र थी? है पवित्रता ही संसार का सार है। इस प्योरिटी के ऊपर भारत के राजाओं ने अपनी राजाइयां गंवा दी हैं। तो है ये कहीं की लड़ाई है ना, ये मक्खन की लड़ाई। अच्छा बाबा अभी बंद करते हैं क्योंकि बच्चों को जाना है। लड़ाई चल रही है ना इधर उधर है, कहीं लड़ाई में घिर न जाएं। क्या बच्चों से यही विदाई ले लेंगे? इसको तो कहा था ना, तुम सभी ब्रह्मा कुमारी का अर्थ क्या है? है ब्रह्मा कुमारी का क्या अर्थ है? बहन और भाई। तुम बहन और भाई क्यों हो जाते हो? हैं? बताओ। एक बाप के बच्चे हैं तो भाई और बहन हो जाते हैं। बहन और भाई कभी क्रिमिनल असॉल्ट करते हैं क्या? ये क्रिमिनल असॉल्ट में बड़ा दोष है एकदम, ये भाई बहन के बीच हो नहीं सकता है। तो इस हिसाब से बाबा ने यह युक्ति रची है। क्या है? क्या आत्मा आत्मा भाई भाई के बाद जब शरीर में शिव बाप प्रवेश करते हैं तो तुम बच्चों का क्या संबंध बनता है? हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करने के बाद जीव आत्मा बनती है,
और तुम सब जीवात्माएं आपस में भाई बहन हो। प्रजापिता ब्रह्मा ने जब रचना रची होगी तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे ना। सब माने कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा ने जब रचना रची होगी तो जो भी रचना रची होगी प्रजापिता ब्रह्मा ने, वो सब क्या होंगे हैं? सब ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे ना। परंतु अभी तुम अर्थ सहित समझते हो। ब्रह्मा की कुमार और ब्रह्मा की कुमारियां, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। क्यों ब्रह्मा कुमार कुमारियां? जरूर पवित्रता में रहते होंगे। कितने निकलेंगे है? ऐसे कितने निकलेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां? अरे सूर्यवंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने निकलेंगे हैं? हाँ ये भाई बहन कभी क्रिमिनल असॉल्ट कैसे करते होंगे? तो जब वो पवित्र रहते हैं क्या, जब वो पवित्र रहते हैं तो ही वो जाकर के पवित्र दुनिया का मालिक बनते हैं। जब तक नहीं रहते हैं, जब तक आपस में पवित्र नहीं रहते हैं, प्योरिटी भंग होती रहती है, शक्ति छीन करते रहते हैं, तब तक क्या नहीं बन सकते? पक्के पक्के प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं बन सकते। फिर पवित्र दुनिया के मालिक भी नहीं बन सकते। कितना सहज बैठ करके समझाते। समझती हो बच्ची?